किसी भी आर्ट एग्जीबिशन के लिए बुलाते, इफ आई एम हियर, इफ आई एम अवेलेबल, आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरे हाथों ही होना चाहिए, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, ये महान कलेक्शन करते हैं आर्टिस्ट लोगों का, तो सबसे अच्छा यही लगता है। और कुछ होता है अभी, जैसे दो दिन पहले एक गिनीज बुक में एक इवेंट होने वाला था, मुझे बुलाया, मैं नहीं गया क्योंकि दैट वाज नॉट रिलेटेड एनीवेयर विद माय आर्ट। सो ऐसा होता है, लेकिन व्हेनेवर सूरज जी मुझे किसी भी आर्ट एग्जीबिशन के लिए बुलाते, इफ़ आई एम हियर, इफ आई एम अवेलेबल, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं ऐसे एग्जीबिशन में जाऊं। काफ़ी नॉलेज खुद को बढ़ता है, मेरे घर पे आर्ट्स देख देख के मैं खुश होता हूं। जब इधर आता हूं तो मुझे लगता है नहीं, अभी बहुत कमी है, मेरे घर पे और सिलेक्शन चाहिए, और कलेक्शन चाहिए। सो इट्स अ लर्निंग, और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दो आई डोंट पेंट, बट मैं बहुत अच्छा मतलब मेरा कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। जो गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स मैं रखता हूँ। हाँ, बहुत कोशिश की, आज तक एक भी नहीं बना पाया, वो पहले ही रिजेक्ट, खुद ही रिजेक्ट कर देता हूँ, नहीं होता। आई एम टू ऑनेस्ट, मैं कुछ भी बना दूंगा लोग ले लेंगे, वैसा नहीं हूँ मैं, आई कांट। है 15-20 हैं ऐसे लेकिन मुझे गैलरी का भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे कुछ तो रहना चाहिए, इतनी बोलेंगे हमारा गैलरी शिफ्ट हो गया दादा के घर पे। दादा बहुत पास में ही रहता हूँ मैं, लिंक रोड में, तो यू कैन शिफ्ट इट देयर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हम तो यही चाहते हैं कि दादा हमारे एग्जीबिशन में आते रहे और हमें सपोर्ट देते रहे, और इनके पास जो कलेक्शन मैंने उनके घर पे जाके देखा, तो मुझे लगता है कि आर्ट के बारे में भले वो बना नहीं सकते बोलते हैं ऐसा, पर उनको नॉलेज काफ़ी है आर्ट के बारे में, और बहुत अच्छा लगता है इनको आर्ट दिखाने में भी और मुझे उनका ब्लेसिंग लेने में भी। थैंक यू।